नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और धर्म शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रों के समय माता रानी की पूजा अर्चना करता है ऐसे व्यक्ति को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि नवरात्रों के समय जो व्यक्ति पूजा अर्चना करता है ऐसे व्यक्ति पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कार्य को अपनी राशि अनुसार करता है तब उस व्यक्ति को अत्यधिक लाभ होता है। दोस्तों अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार कर्क राशि के जातकों को नवरात्रि के दौरान कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आकर्षित हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनसे उनके ऊपर भी माता रानी की विशेष कृपा हो और आप लोगों को भी साथ ही साथ पुण्य की प्राप्ति हो सके। दोस्तों अगर आप लोग कर्क राशि के जातक हैं और इस बात को चाहते हैं कि नवरात्रि के अवसर पर आप लोगों को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो तब इसके लिए आप लोगों को नवरात्रि के दौरान सफ़ेद चंदन या फिर मोती की माला से माता रानी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेगी और साथ ही साथ आप लोगों को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों आप लोगों को नवरात्रि के दौरान माता रानी को दूध से बनी मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आप लोगों से जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर देंगी। दोस्तों अगर आप लोग कर्क राशि के जातक हैं और इन दो उपायों को नवरात्रि के दौरान करते हैं तब ऐसा करने से आप अपने जीवन में कई तरह की खुशियों को आकर्षित करेंगे और साथ ही साथ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।